और दोस्तों रहीन पूजा के दिन इस तरह से घर के चारों ओर ये जो देख रहे हैं यहाँ पे लिपा हुआ है गोबर का, चारों तरफ से इसी तरह से दिया जाता है और सुबह ही ये वाला दे देते हैं। इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे घर के चारों तरफ ऐसा गोबर दिया हुआ है, गोबर देते हैं आज ही के दिन, रहीन के दिन ही। हेलो दोस्तों, जोहार प्रणाम, फिर से नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है रहीन पर्व, जो हम लोग का ट्रेडिशनल त्योहार है। रहीन पर्व मनाते हैं साल में एक बार, तो आज है रहीन पर्व। रहीन पर्व का मतलब हुआ दोस्तों, ये है रहीन का फल, और रहीन यानी ये पौधा होता है जिसको हम लोग आषाढ़ी भी बोलते हैं। और इस फल को आज हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं। इसका भी कुछ रहस्य है, हमारे पूर्वजों द्वारा जो बोला जाता है और जो बोलते हैं कि इस फल को खाने से शरीर का बहुत सारा बीमारी सब दूर हो जाता है, और इससे हम लोग की रक्षा भी होती है। वैसे रक्षा होती है यानी दोस्तों, आज का दिन से हम लोग खेती बाड़ी स्टार्ट करते हैं, और आज ही का दिन से खेत में जैसे हम लोग धान ये सब बुनते हैं, तो इसीलिए आज हम लोग त्योहार मनाते हैं रहीन पर्व। तो चलिए देखते हैं, ऐसे हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि वीडियो में नीचे में वीडियो चल रहा है, उसमें हम अभी पूजा कर रहे थे, उसका भी वीडियो डाला हुआ है। और इधर ये है रहीन पर, ये रहीन फर, इसको थोड़ा सा भी खाना भी है। देखिए यहाँ पे डाल दिए हैं इसका फोटो रहीन, इसको थोड़ा थोड़ा भी खाए हैं, और इसको अभी इतना बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा खाना चाहिए आज, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा खाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा या फिर ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा होने से भी आज खाना चाहिए। तो दोस्तों चले इस रहीन फल को थोड़ा सा काट लेते हैं और थोड़ा थोड़ा खाते हैं। इसे खाने में ये बहुत ही कड़वा लगता है। देखिए थोड़ा सा ले लिए, इसको थोड़ा सा खा लिए, और सबको इसको भी बांटना है, सबको खाना है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा काट लेते हैं। खाना है बोलो, मेरा भी कैमरामैन को खिला रहे हैं, और हमारा कैमरामैन कौन है देख सकते हैं। कैमरामैन, अभी हमारा जो कैमरामैन है वो भी थोड़ा थोड़ा अभी खा रहे हैं, तो हमको भी बहुत ही कड़वा लग रहा है, लेकिन खाने में बहुत ही मस्त लगता भी है, मुंह फ्रेश हो जाता है। देखिए अभी बांट रहे हैं थोड़ा थोड़ा, सबको अभी बांट के खाएंगे। नानू को दे दे। इसको खाने से क्या होता है, जैसे आज से हम लोग गांव देहात में जैसे खेती स्टार्ट करते हैं यानी धान बुनना स्टार्ट करते हैं, तो लोग जैसे खेत जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे जीव जंतु जीव पाए जाते हैं, जैसे चींटी हुआ या तो फिर बहुत सारा बिच्छू हुआ, सांप हुआ। तो उसका जो अगर बिच्छू या सांप काटने से उसका जो जहर होता है वो हमारे ज्यादा शरीर फैलता नहीं में है जल्दी, ऐसा माना जाता है और पूर्वजों द्वारा ऐसा बोला नानू को जाता दे है, दे, इसीलिए इसको आज खाते हैं और खाना नानू चाहिए। इसे गाँव देहात में हम लोग मानते हैं, शहर वाले तो नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं ऐसा। इसको खाने से इसका जो जो भी रासायनिक पदार्थ इसमें है वो हमारे शरीर में आ जाता है, और उससे हम लोग को सुरक्षा मिलती है, कोई भी जहर जल्दी फैलता नहीं है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। दे। अब नानी को लेके आते हैं। सबको बांटते हैं, अभी बांट रहे हैं यहाँ, हाँ, थोड़ा पापा को थोड़ा लेके आ काट रही जल्दी। रहे हैं। हाँ जाओ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काट लिया, अब जाओ बांट के आओ। तो दोस्तों अभी आ गए हैं खेत, और यहाँ पे अभी हल जुताई होने वाला है, तो इसलिए अभी खेत आ गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा धूप है दोस्तों, इसलिए बोतल में पानी लेते आए हैं, क्योंकि यहाँ पे खेत में तो पानी मिलेगा नहीं, इसलिए पानी लेते आए हैं। और ये सब पूरा खेत अभी सब जोतना है, तभी तो जा रहे हैं खेत में। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब को भी जोतना है पूरा, ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा धूप है, इतना धूप में दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप है। और दोस्तों पहुंच चुके हैं खेत, और इधर हल की जुताई भी स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पीछे में, इधर अभी जुताई स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे।
देख सकते हैं पीछे, और बहुत ही ज्यादा धूप है भाई, देख सकते हैं अभी चल रहा है पूरा जुताई, धूप बहुत ही ज्यादा। और दोस्तों यहाँ खेत में सांप मिल गया, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ खेत में सांप मिल गया है। और इसी तरह से बहुत सारे खेत में सांप जैसे मतलब बिच्छू ये सब मिलते रहता है, देख सकते हैं, इसलिए बहुत ही बच के खेत में चलना चाहिए दोस्तों। अभी बारिश स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए अभी सांप सब भी बिल से मतलब सब निकल रहा है दोस्तों। इसको अभी जोतना है, ये वाला खेत जो दिख रहा है इसको अभी पूरा जोतना है, तभी ट्रैक्टर अब उतरने वाली है, यहाँ बगल में अभी जुताई चल रहा है, उसके बाद फिर इसको जोतना है। और दोस्तों यहाँ खेत में ट्रैक्टर उतर गया, अब जुताई स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है और भी इतना सारा जोतना भी है। और इधर हम बैठे हुए हैं छाया में, छाया में इधर बैठे हुए हैं और इधर ड्राइवर इधर जोतने में व्यस्त है। तो बहुत ही ज़्यादा धूप है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा धूप है, देख सकते हैं यहाँ पर जुताई अभी चल रहा है। थोड़ा सा वहाँ पे गड्ढा है, अभी इतना सारा जोतना है पूरा। बहुत ही बढ़िया से जुताई हो रहा है, धूप है इसलिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। और अभी जोतने से बाद में फिर घास ज़्यादा नहीं होगा, जो अभी अभी घास होने वाला है वही धूप में सब मर जाएगा उसमें, इसलिए अभी जोतना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इतना सारा पूरा जुताई हो चुका है दोस्तों, खेत पूरा जुताई हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, अभी जुताई चलिए रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे और इधर, और थोड़ा सा होने से हो जाएगा, अभी इतना थोड़ा सा बाकी है, देख सकते हैं इधर पूरा हो गया है जुताई, यानी दो बार जोते हैं इसको, दो बार जोत लिए इसको, एक बार जोते हैं उसके बाद फिर से दोबारा जोते, दोबारा जोते उसमें बहुत ही बढ़िया हुआ, इसमें जो मिट्टी है दोस्तों पूरा भुरभुरा हो गया है, अब इसमें धान बुनने में बहुत ही अच्छा रहेगा। जो ये घास थोड़ा बहुत दिख रहा है ये धूप से पूरा मर जाएगा, दोबारा ये घास फिर होगा नहीं, इसलिए अभी जोतना बहुत ही लाभदायक है, देख सकते हैं। अब मौसम भी थोड़ा दोस्तों ये हो गया है, मौसम भी थोड़ा सा बादल अब छाया हुआ है, ज़्यादा धूप नहीं है अभी, देख सकते हैं बादल पूरा, अभी मौसम थोड़ा सा अभी छाया हुआ है, धूप ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों दिन भर लग गया जोतने में और अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अब ख़त्म करेंगे, अब दूसरा दिन फिर से जोतेंगे कुछ ही दिन, देख सकते हैं पूरा शाम भी हो गया है, इधर शाम हो गया है, अब बहुत ही ज़्यादा देरी हो गया है, इसलिए अब अभी नहीं करना है, अब इसी को लास्ट करेंगे, इसको पहले पूरा लेते हैं, अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अभी इस पर इसको अभी जोत रहे हैं। पाँच मिनट का कैसे धुल लेना है, अच्छा किना किना है सिंदूर में जो गुलाब सिंदूर धुल बटे पनीर जला लो, हाँ हिंदे चला भी सुन जागू बटे पनीर जला लो ना, हाँ
हाँ आगू बटे जल लाइल है आगू बटे। हाँ हे सिमर ठाकुर, हे लक्ष्मी माता है, सब तक तो रखते हैं हम इसका आलम सब तो करते हैं। आगो यहाँ तो दे ली धान था लेकिन यहाँ को धान था करते पाँच मुठा के समझ में। यहाँ यहाँ कुछ घुमाइल ही है तो यहाँ का देख ली तो मैं जैसन जानना हूँ कोनो प्रकार को भूल विसर बोलती है बोलना ही बन रही है।